कभी भी मुझे क्रिकेटर बनाना चाहते थे या। के तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म करना आसान नहीं इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। वन धोनी का परफॉर्मेंस देवघर ट्रॉफी में काफी अच्छा रहा अच्छा बैट्समैन है वो मगर कीपिंग टेक्निक बहुत ही बोर है तो वाकेरे स्टेडियम ऑन द फीट सो श्रीलंका एंड अप 274 फॉर सिक्स आफ्टर द फिफ्टी ओवर्स द टारगेट फॉर इंडिया मेरा मौका था सबको बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ कि मैंने भी कुछ किया है लाइफ में मैं क्रिकेट के लिए बनी नहीं हूँ अगर इतना ही टैलेंट होता तो ये स्क्रीन पे नहीं टीम में खेल रहा होता ना आगे भी सोचो यार मतलब यंगस्टर्स को चांस देंगे तो उनका करियर बनेगा एंड गेट टू प्ले फॉर इंडिया इससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है तुम बनी हो क्रिकेट के लिए इन दोनों की जन्मपत्री एक है और इनके नाम भी एक है माही से खेल अपनी जगह है लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तुम खिला बताया क्यों नहीं तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है अपने टेक्निक पर पहले कभी नहीं देखा तुझे देखने कितने लोग आए दिस इज अ वर्ल्ड कप फाइनल टू सेवेंटी फाइव मेरे लिए ना क्रिकेट इज लाइफ बट लाइफ इज क्रिकेट तो थोड़ा काम में भाई तो आपका फोटो हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सचियाँ पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखकों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रेड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बैठे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं सरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टर डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म फिल्म मिस्टर एंड मेसेज माही को बनाया गया है जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेश जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर लाकर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा यानी जानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी ना केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जर हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सरजियाँ पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जान्हवी कपूर ने मिस्टर और मिसेज माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी के बाद सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार रामिस्टर में माही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब भी सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर वाक्य अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं पुरणेदेव भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भवन वैद्य का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी बर्ड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बैठे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं सरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टर डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेश जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर लाकर न केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा यानी जानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निकनेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी ना केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक सूरट शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहां अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूप में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलू को दमदार तरीके से दर्शाया है जानवी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमंद मिश्रा जरे हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सरजियाँ पहने दिखे जाह्नवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन ये कहानी प्रेम की है त्याग की है की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका है इसका फार्मूला तत् और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम पास कर डी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डॉक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही को और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना ये होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो सरल शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन मारकर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छपाएं कथाएं पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर हिमा माँ के शादी ब्रेड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपनी जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्ट्रेस के दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कही कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बेटे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टीबी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीबी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं शरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टरियल डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड में माही को बनाया गया है फिल्म करर जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिर जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर ला कर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा अनिजानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी न केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तू गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जरे हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सचियाँ पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखकों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जाह्नवी कपूर ने मिस्टर एंड मिसेज माही में फिर एक बार यह साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद बाय। का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारा हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमद मिश्रा राजेश शर्मा

जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं शरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टरियल डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड में माही को बनाया गया है फिल्म और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर ला कर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा अनिजानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी न केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ़ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जर हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सरजियाँ पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखकों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जाह्नवी कपूर ने मिस्टर एंड मिसेज माही में फिर एक बार यह साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जाह्नवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रट खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारा हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमद मिश्रा राजेश शर्मा

जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं शरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टरियल डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड में माही को बनाया गया है फिल्म कर जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर ला कर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा अनिजानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी न केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जरे हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सजिया पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने अर्थ तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रेड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसके पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बैठे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं सरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टर डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेश जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर लाकर न केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा यानी जानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी ना केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ़ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जरे हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सजिया पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन यह कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने अर्थ तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखकों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जाह्नवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर रही माँ के शादी ब्रेड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बैठे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं सरल शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड में माही को बनाया गया है फिल्म करर जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर ला कर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा अनिजानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी न केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जर हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सरजियाँ पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखकों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रट खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कही न कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बैठे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं सरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टर डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म फिल्म मिस्टर एंड मेसेज माही को बनाया गया है जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर लाकर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा यानी जानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी ना केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ़ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जर हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सजिया पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने अर्थ तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन मारकर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छपाएं कथाएं पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं, उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथी कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बहराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर एंड मिसेज माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी के तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन बाय। बायद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रट खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपनी जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्ट्रेस की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कही कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बेटे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टीबी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीबी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं शरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड में माही को बनाया गया है फिल्म करर जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर लाकर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा अनिजानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी न केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तू गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जरे हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सजिया पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन यह कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने अर्थ तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं। सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का

फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है। खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जानवी कपूर ने मिस्टर माही में फिर एक बार ये साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जानवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रेड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता ख़राब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्ट्रेस के दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है ल गुड वाली फिल्म है एक अलग नजरिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमुद मिश्रा राजेश शर्मा अरिजित तनेजा धीरेन्द्र गौतम जैसे कलाकार हैं फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है राजकुमार राव एक बेबस बेटे नाकामयाब शख्स हारे हुए क्रिकेटर लगे हैं उनके कैरेक्टर में वो फेमस होने की भूख दिखती है जानवी कपूर के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखी है फिल्म देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों असल में पति पत्नी है रोमांटिक सीन हो या इमोशनल सीन्स, सभी में वो वाकई एक मैरिड कपल लगे हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टीवी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं सरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टर डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर लाकर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा यानी जानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी ना केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ़ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खेले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित गिरे पहलु को दमदार तरीके से दर्शाया है जानी कपूर की निर्देशक शरण शर्मा के साथ ये दूसरी फिल्म है इससे पहले वे उनके साथ रंजन सक्सेना में काम कर चुकी हैं निर्देशक ने इस फिल्म में भी उनसे बढ़िया काम लिया है जानवी ने अपनी भूमिका के साथ पूरी ईमानदारी करती हैं कुमद मिश्रा जर हिंदी सिनेमा में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की भी दिलचस्प कहानी है दर्शक क्रिकेट खूब देखते हैं मोबाइल पर टीवी पर और दफ्तर में लैपटॉप पर भी लेकिन क्रिकेट पर बनी फिल्में देखने में सिनेमाघर कम ही आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड की पहली जीत पर बनी एट्टी थ्री जैसी बढ़िया फिल्म को भी लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टरों पर क्रिकेट की सचियाँ पहने दिखे जानवी और राजकुमार राव ने भी दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा किए लेकिन फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि भले क्रिकेट की हो लेकिन एक कहानी प्रेम की है त्याग की है गरने की सनातन संस्कृत में त्याग को प्रेम का पहला आधार माना गया है इसका फार्मूला है तत् सुखे सुखे तम और इस सूत्र के सहारे आगे बढ़ती है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के प्रचार में थोड़ा जतन और थोड़ी लगन लगाई गई होती तो टिकट खिड़की पर इसकी ओपनिंग भी शानदार होती लेकिन फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजकुमार राव और जानवी कपूर का पिछला बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड इस फिल्म पर भारी है कहानी साधारण सी है लेकिन इसकी मेकिंग दिलचस्प है मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का महेंद्र अग्रवाल अपने तो रिश्ता एक ऐसी लड़की का आता है जो एम बी बी एस पास कर डक्टरी कर रही है नाम महिमा अग्रवाल महेंद्र और महिमा दोनों को घर वाले माही कहकर ही बुलाते हैं महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा था महिमा का क्रिकेट में हाथ अच्छा चलता है महेंद्र को ये पता चलता है कि वह उसे डक्टरी छोड़ मैदान में उतरने होती है फिल्म के टीजर ट्रेलर और पोस्टर सब इसकी चुगली पहले दिन से करते रहे हैं कथा शिल्प के अनुसार भी ये बात दर्शकों को बताना फिल्म की शुरुआत में ही लेखकों और निर्देशकों के लिए जरूरी हो जाता है अब देखना यह होता है कि मुख्य कलाकारों के सामने आ खड़ी हुई मुसीबत से दोनों पार कैसे पाएंगे और इस सफर के पड़ाव क्या क्या होंगे तो शरण शर्मा और निखिल मल्होत्रा ने उपसंहार तक लाने में पहले पिता पुत्र का वैचारिक संघर्ष बुढ़ापे की ओर जा रही पीढ़ी की हवाबाजी की आदतें माँ का हवाला वाला प्यार बेटी का मन कर घर वालों का कहना मानना जैसे पारंपरिक छिपाएँ कथाएँ पकाते रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की नायक जानवी कपूर हैं उनके किरदार के ही चारों तरफ फिल्म का पूरा ताना बाना कसा गया है राजकुमार राव यहाँ उनके साथ ही कलाकार हैं सहमी सी सकज सी बेटी का अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दबंग पिता के सामने अपने मन की बात कहना फिल्म का टर्निंग पॉइंट है उधर खेल के सामान की दुकान संभालने वाला पिता भी जब तक अपने बेटे को दिल की बात समझ पाता है तब तक बेटे को जीवन का असली बैराग समझ आ चुका है दो पल की शोहरत के लिए रिश्तों को आग लगा देने की युवा पीढ़ी पीढ़ी की आदतों पर सीधी चोट करती है निर्देशक सुरार शर्मा की ये फिल्म ये अंतरधारा अगर फिल्म देखने वाले समझ गए तो इस फिल्म का मकसद भी पूरा हो जाएगा ये दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के निर्माण के दौरान सिनेमा के सीखने वाले सरल शर्मा ने अपनी काबिलियत बतौर निर्देशक अपनी पहली ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में ही दिखा दी थी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही उनकी महिला प्रधान फिल्मों के प्रति आकर्षण की अगली कड़ी है जानवी के साथ उनकी बढ़िया जमती है पिछली फिल्म में उन्होंने पंकज त्रिपाठी को बतौर पिता जानवी का सपोर्ट सिस्टम बनाया था इस बार पति के रूप में राजकुमार राव यही काम कर रहे हैं दोनों फिल्मों का टेम्पलेट एक जैसा ही है सरल शर्मा को बतौर निर्देशक अपना नाम जानने के लिए अपने चारों तरफ बनता जा रहा है खाका तोड़ना अब जरूरी हो चुका है अभिनय के मामले में जाह्नवी कपूर ने मिस्टर एंड मिसेज माही में फिर एक बार यह साबित किया है कि कहानी अच्छी हो पटकथा चुस्त हो और उनके किरदार के सामने चुनौती पारिवारिक हो तो अपनी माँ श्रीदेवी की तरह दर्शकों को रुला देने की ताकत रखती हैं स्टार किड्स की मौजूदा पीढ़ी की वह सबसे दमदार अदाकारा हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया उनको अपनी अच्छा भी गढ़ी नहीं करने देता जाह्नवी की बड़ी अदाकारी देखने के लिए उनके प्रशंसकों का सिनेमाघरों तक आना जरूरी है और जब तक जानवी अपनी नुमाई सोशल मीडिया पर बिना टिकट जारी रखेंगे टिकट लेकर उन्हें देखने वालों की तादाद बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है राजकुमार राम स्टर्न में शजमाही में एक हारे हुए किरदार में हैं और इस किरदार का पूरा जोर अब कहानी की नायिका को उनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाओं में सब बस एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर अदा करना है उनकी पिछली फिल्म श्रीकांत अब सिनेमा सिनेमाघरों में चल रही थी अभिनय के मामले में उनका विकास अब तक अच्छा ही हुआ है अब आगे बढ़कर क्या अपनी छवि तोड़ने के लिए या फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उन्होंने भी बतौर अभिनेता ना सोचा हो इसी सवाल में उनका आने वाला कल छपा है कुमार मिश्रा ने एक सख्त पिता के रूप में अपना असर छोड़ा है कौन शुक्ला बने राजेश शर्मा भी फिल्म को अच्छा सहारा देते हैं कुरेद भट्टाचार्य और जरीना बहाब कमाल के कलाकार रहे हैं लेकिन उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके किरदार यहाँ कम अवधि के हैं फिल्म और मिस्टर एंड मिसेज माही की पृष्ठभूमि जयपुर की है और अनय गोस्वामी ने गुलाबी शहर की अलसाई सुबह और जगमगाती रातें आउटडोर शूटिंग में अच्छे पकड़ी है फिल्म की इंडोर शूटिंग में भी दृश्यों के भूगोल के हिसाब से उनके कैमरे का संयोजन अच्छा है नितिन भावैद का संपादन चुस्त है लेकिन यही बात फिल्म के की संगीत को लेकर नहीं कही जा सकती फिल्म की पूरी भावना को समझ पाने वाला एक भी गाना फिल्म में नहीं है राजस्थान में चलती कहानी का पहला ही गाना पंजाबी में होने सुबह का नाश्ता कर ही माँ के शादी ब्रेड खाते समय टोस्ट खाने जैसी आवाज़ आना फिल्म में रह गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमियों को गिनाने के सटीक उदाहरण हैं फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द है जो ज़िंदगी में सिर्फ हारा है क्रिकेट जिसे उससे सब सबसे ज़्यादा प्यारा था वहाँ भी हारता है अमूमन हर एक पिता को एक माँ को एक बहन या भाई को अपने सपने किसी और के जरिए पूरा करते आपने देखा होगा इस फिल्म में एक पति अपने सपने अपनी पत्नी के जरिए पूरा करता है कहानी का क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कहानी दिल को छू जाती है फिल्म की कहानी राजस्थान के जयपुर में गढ़ी गई है बाप की नज़रों में हारे हुए बेटे को बिजनेसमैन बाप लड़की वालों के सामने पेश करता है अरेंज मैरिज सेटअप में महिमा और महेंद्र की शादी होती है महेंद्र खुद को साबित करने की जिद में डॉक्टर महिमा को क्रिकेटर महिमा बनाने में जुट जाता है महेंद्र की सनक उस दीवार तक पहुंचने की होती है जहां उसके पापा ने तमाम नामी क्रिकेटर्स के साथ अपनी फोटो लगाई थी और यही सनक उसका और उसकी पत्नी महिमा का रिश्ता खराब कर देती है इधर महिमा अपने जद्दोजहद एक तरफ डॉक्टर की नौकरी से हाथ बैठती है दूसरी तरफ क्रिकेटर बनने का प्रेशर सर पर ले लेती है अब क्या महिमा क्रिकेटर बन पाती है क्या उसके पति के सर से फेमस होने की सनक उतरती है इन सारे जवाबों के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा सही रहेगा सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है धोनी की एक फ़ोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई लेना देना नहीं है यह एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है कहानी में क्रिकेट की जगह कोई भी कला या खेल डाला जा सकता था जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट फैन हो तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है फिल्म की अच्छी कहानी है फील गुड वाली फिल्म है एक अलग नज़रिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देखते तो अच्छा लगता फिल्म में जानवी कपूर राजकुमार राव जरीना वहाब कुमद मिश्रा राजेश शर्मा

जो एक दूसरे की हिम्मत बनता है जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक टी के किरदार में दिखी हैं जानवी कपूर बवाल के बाद एक बार फिर एक बीवी के किरदार में दिखी हैं साधारण परिवार की सीधी सी लड़की जिसने अपने शौक को परिवार वालों की खातिर दबा दिया जो खुद भी भूल गई थी कि उसे तो डॉक्टर नहीं कुछ और बनना था जानवी की एक्टिंग हर फिल्म के बाद निखर ही रही है जो इस फिल्म में भी दिखाई देती है उनका क्रिकेट खेलने का तरीका यह बताता है कि वो सच कह रही थी कि उन्होंने दो साल क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है इसके अलावा कुमद मिश्रा एक आम परिवार के सख्त पिता के रोल को पकड़ कर रखते हैं जो अपने बेटे को बस कामयाब होते देखना चाहते हैं जरीना बहाव दो से तीन सीन्स में दिखती हैं और उनके पास डायलॉग भी नहीं होते पर आखिर वो पूरी फिल्म को मोड़ पर रख देते हैं शरण शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और उनका काम अच्छा है यह उनकी दूसरी फिल्म है इससे पहले उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना के साथ अपना डायरेक्टरियल डेब्यू किया था इस फिल्म में भी जानवी कपूर लीड रोल में नजर आई थी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म मिस्टर एंड में माही को बनाया गया है फिल्म कर जौहर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है यह निसंदेह सिनेमा का खूबसूरत दौर है जहां हर रंग की फिल्में बन रही हैं इन रंगों में एक रंग है अपने सपनों का पीछा छोड़ चुके पति पत्नी का एक दूसरे के लिए संबल बनना और उन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना निर्देशक सरण शर्मा राजकुमार राव और जानवी कपूर की फ्रेस जोड़ी के साथ एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो अपने ख्वाबों को त्याग कर जिंदगी की आपाधापी में शामिल हो चुका है मगर तभी क्रिकेट जैसा जुनूनी खेल उन दोनों को एक बिंदु पर ला कर ना केवल करीब लाता है बल्कि जिंदगी की जीत का सबब भी बनता है कहानी जयपुर में रहने वाले महेंद्र यानी राजकुमार राव से शुरू होती है वह एक जमाने में एम एस धोनी की तरह एक्टर भाई की लोकप्रियता के कारण वह जीवन में कुछ ना कर पाने की हीन भावना से ग्रसित है मगर तभी उसकी शादी डॉक्टर महिमा अनिजानवी कपूर से तय हो जाती है महेंद्र की तरह महिमा का भी निक नेम माही है पिता जब बेटे महेंद्र को महिमा के घर वालों के सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश करता है तो महेंद्र महिमा को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान है उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर महिमा शादी के लिए राजी हो जाती है शादी के बाद जब महेंद्र को पता चलता है कि उसी की तरह महिमा भी न केवल क्रिकेट की दीवानी है बल्कि एक धुआंधार बल्लेबाज भी है अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी डॉक्टर बनना पड़ा अब वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के लिए जान लगा देता है मगर इस सफर में महेंद्र को अपने अहंकार घमंड असुरक्षा और सपनों के आत्मबोध से भी गुजरना पड़ता है निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वे इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट अगर हो तुम और रोया जब तो गाने अच्छे बन पड़े हैं फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन के बाद जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है महेंद्र के रूम में राजकुमार राव एक बार फिर अपनी प्रतिभा के साथ खिले हैं नायक होने के बावजूद उन्होंने अपने अहंकारी और असुरक्षित